हेलो स्टूडेंट्स, वीसीपी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आई एम स्टार्टेड टू शेयर माय स्क्रीन विथ आयुर्वेद भारती के वीसीपी प्रोग्राम में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम शल्य तंत्र के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, वो है अष्टविध शस्त्र कर्म। शल्य बोले तो शस्त्र, इसके लिए शस्त्र कर्म का बहुत ही प्रधानता है। इसमें मुख्यतः शस्त्र कर्म आचार्य सुश्रुत द्वारा तीन प्रकार के बताए गए हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। अभी पूर्व कर्म क्या, व्रण की चिकित्सा में जो षष्टी उपक्रम बताया है उसमें जो लंघन से विरेचन यहाँ तक जो दिए हैं उन्हें पूर्व कर्म ऐसा कहा है। जो शस्त्र कर्म के पहले करते हैं उनको पूर्व कर्म कहा है। आचार्य डल्हन जी ने ऐसा बताया कि लंघन से विरेचन यहाँ तक जो है वो पूर्व कर्म है, और प्रधान कर्म पाटन और रोपण उनको प्रधान कर्म कहा है, और जो पश्चात कर्म जो ऑपरेट के बाद जो वर्ण और अग्नि दीप्त होने के लिए जो किया जाता है उन्हें पश्चात कर्म ऐसा कहा है। ठीक है, कुछ आचार्यों का ऐसा मत है कि पाचन, स्नेहन और स्वेदन ये पूर्व कर्म है, और जो हमारे पंचकर्म हम लोग बोलते हैं वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण, नस्य और बस्ति ये प्रधान कर्म है, और पेया विलेपी जो पहले बताया वैसा ही पेय और विलेपी दीपन पाचन के लिए वो पश्चात कर्म में आते हैं। अभी जैसा है ये पहले जो बताए लंघन आदि विरेचन वो शल्य तंत्र के अकॉर्डिंगली है, और ये जो पेया विलेपी ये है वो थोड़ा सा काय चिकित्सा के अकॉर्डिंगली जाता है। अभी पूर्व कर्म शस्त्र संभार, संभार बोले तो क्या, शस्त्र कर्म के लिए जो चीजें लगती हैं उनको संभार कहते हैं। तो शस्त्र कर्म के पहले सब चीजें इकट्ठी करना शस्त्र कर्म को, तो जो जो चीजें लगती है जैसे जलों का, अलाबू, घटिका, ऐसा सब चीजें इकट्ठा करना उसको पूर्व कर्म कहते हैं। अभी पूर्व कर्म में आचार्यों ने अन्नप्राशन का विधान बताया, मतलब खाने के शस्त्र कर्म के पहले कुछ तो खाना चाहिए क्योंकि उससे मूर्छा नहीं आएगी, और मद्यप्राशन भी आचार्यों ने पहले बोला है उससे वेदना महसूस नहीं होगी। पर आचार्य कुछ व्याधि और इसमें अपवाद दी है आचार्यों ने, जिसमें कुछ न खा के शस्त्र कर्म करना करना है, तो ये 6 व्याधियां हैं, मूढ़गर्भ, उदर, अर्श, अश्मदी, भगंदर और मुखरोग। ये जो 6 हैं उनमें कुछ नहीं खा के ही कुछ न खा के ये करना है, शस्त्र कर्म करना है। अभी कैसा है ये देखो, पूर्व कर्म हम लोग जो एनबीएम बोलते हैं तो आचार्यों ने ये व्याधियों के लिए एनबीएम जो है वो बताया है, मूढ़गर्भ, उदर, अर्श, अश्मदी, भगंदर और मुखरोग। और उस टाइम पे एनेस्थेसिया वो नहीं था, उसके लिए मध्य प्राशन बोला है। मिनिमम अगर एब्डोमिनल सर्जरीज है तो मिनिमम 24 आवर्स, और अगर एब्डोमिनल नहीं है समझो हर्निया ऐसा जो एब्डोमिन ओपन करने की जरूरत नहीं है उनके लिए मिनिमम 6 to 8 आवर्स एनबीएम रहना ये पूर्व कर्म में आता है। ओके, पार्ट प्रिपरेशन, हम जो अभी शस्त्र कर्म के लिए पार्ट प्रिपरेशन करते हैं वो भी पूर्व कर्म में आता है। कुछ डिसीजेस है नहीं तो जो जैसे कि एलएससी है सीजर रहता है उसमें, नहीं तो एनोरेक्टल सर्जरीज में जो एनिमा देते हैं उन वो भी पूर्व कर्म में ही इंक्लूड होता है। अभी प्रधान कर्म, आचार्य सुश्रुत ने अष्टविध प्रधान कर्म का उल्लेख किया है। उसमें छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, ऐषण, आहरण और विश्रावण और सीवन ये अष्टविध शस्त्र कर्म बताया है। आचार्य चरक जी ने षड्विध ही बताए हैं, उन्हें ऐषण और आहरण का प्रयोग नहीं किया है।
और ऐसे और भेदन को उन्होंने पाटन ऐसा शब्द प्रयोग किया है। बाकी सब वो तो छेदन भेदन लेखन ये तो दिए, भेदन को पाटन बोला है, छेदन लेखन वेदन ऐसे उदाहरण नहीं प्रयोग किए, और विश्रवण और सीवेद इनका षड्विध का प्रयोग किया है। और आचार्य चरक जी ने 11 शस्त्र कर्मों भी बताए हैं, वो तो शरीर वो तो चरक संहिता में डिटेल में आ जाएगा। अभी छेदन, छेदन का अर्थ क्या होता है? निश्शेषतः छेदनीयम अर्षा प्रवृत्ति, निश्शेषतः छेदन में मतलब एक तो चीरा देना, नहीं तो पूरे पूरे पार्ट को बाहर निकालना, इसको छेदन ऐसा कहते हैं। अभी आचार्यों ने कोई व्याधि बताए जिनमें छेदन करना चाहिए, वो व्याधि है भगंदर, अर्श, कफज ग्रंथि, मेदोज ग्रंथि, तिलकालक, व्रणार्बुद, ये जो है वो ये सब इसमें छेदन बताया है। अस्थिगत मांसगत अस्थि और मांसगत शल्य, अस्थि और मांसगत शल्य में भी छेदन करके वो शल्य निकालने को बोला है। स्नायु मांस और शिरागत कोट, कोट बोले तो शोथ जो है उनमें भी छेदन बताया है। शतपोनक, अदृश और उपदंश इनमें भी छेदन बताया है। और मांस कंडी और अति मांस इसमें भी आचार्य सुश्रुत जी ने छेदन ऐसा बताया गया है। तो इसका कुछ कुछ ग्रुप करके याद रखना होगा। भगंदर और अर्श एक सरीके रहते हैं, कफज और मेदोज ग्रंथि एक टाइप के रहते हैं, जो क्षुद्र रोगों का उल्लेख है वो अलग से देखना है, नहीं तो दंत रोग है उन ऐसा ग्रुप करके याद में रखना पड़ेगा। अभी भेदन, भेदन मतलब फोड़ के बाहर निकालना, उसको भेदन कहते हैं। अभी जो सान्निपाती छोड़ के वातज पित्त और कफज ग्रंथि है उनमें भेदन बोला है, विद्रधि में उन भेदन बोला है, बाद में वात पित्त और कफज ग्रंथि, वात पित्त और विसर्प और वात पित्त और कफज वृद्धि, इन तीनों में भी भेदन बताया है। ग्रंथि कैसी रहेगी, ग्रंथि को निकालने के लिए फोड़ के उसको निकालना पड़ेगा। उसके बाद में विसर्प वृद्धि, वृद्धि को भी वो फोड़ के बाहर निकालना पड़ेगा। वृद्धि में तो जो ये रहता है जल रहता है, वो फोड़ के जल बाहर निकाल के फिर स्किन टाई कर देते हैं। अभी तालु और दंतगत मुख रोग में जो आ है, तालु को फुट, दंत को फुट, तुम्बे गिरी, गिलायु, शुक्र गिलायु, इनमें भी भेदन बताया है। शुक्र दोषों में जो है वो अवमन्थ, कुंभिका, अनुषायी, ये जब आप लोग शालाक्य में देखेंगे ना रोग, तो आपको समझ में आ जाएगा, उसका डिटेल में आपको आ जाएगा। अभी नाड़ी वृंद, एक वृंद, ये सब व्याधियों में भेदन करने का वर्णन किया है। अभी सिर्फ चीरा देना है या निश्चेष्टतः पूरा निकालना है तो उसको छेदन कहेंगे, और पूरे आशय को बाहर निकालना है तो उसको भेदन कहते हैं। अभी कहाँ कहाँ पे कौन से प्रकार का छेद लेना, ये आचार्यों ने डिटेल में बताया था। तो उसमें है भ्रू, शंख, ललाट, अक्षिपुट, ओष्ठ, दंतवेष्ट, कक्षा, कुक्षी, वक्षण, यहाँ पे तिर्यक छेद लेना है, और हस्त और पाद यहाँ पे चंद्रमंडल व्रत लेना है, और बुध और मेंढर पहाड़ पे अर्धचंद्राकृति लेना है। ये याद रखना पड़ेगा, एमसीक्यू के हिसाब से भी आता है यार, अर्धचंद्राकृति कहाँ पे लेंगे तो बुध और मेंढर पे, चंद्रमंडल वत के कहाँ पे लेंगे तो पानी और पाद, हस्त और पाद। अगर 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 हम सोचो ये तरह से नहीं लिए छेद अगर, तो क्या क्या होगा, ये आचार्यों ने बताया। तो व्रण में वेदना होगी, शिरा और स्नायु का छेद हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे तिर्यक बोला है वहां पे आर्टरीज और वेन्स बीच में आ गए तो उनका छेदन हो सकता है, और व्रण जल्दी नहीं भर के अंकुर की उत्पत्ति हो सकती है। ऐसे अगर अच्छे से छेदन नहीं किया तो ये सब सबसे पेशेंट को जाना पड़ेगा। अभी भगंदर, भगंदर जो है फिशरी नैनो, उसमें 4 प्रकार के छेदन के प्रयोग आचार्यों ने बताया है। तो उसमें है लांगलक, लांगलक बोले तो नांगर रहता है ना, नांगर
नांगर के जैसा छेद लेना, उसको लांगलक कहते हैं। अर्ध लांगलक बोले तो नांगर के आधा पार्ट में जो छेद लेते हैं उसको बोलते हैं। सर्वतो भद्रक बोले तो गुद के सिवनी छोड़ के गुद के चारी भागों में अगर इंसिजन लिया तो उसे सर्वतो भद्रक कहते हैं। और गोतीर्थक बोले तो अगर गाय मूत्रोत्सर्ग करते हुए जहाँ से जाती है तब तब जैसा छेद होगा ना उसे गोतीर्थक ऐसा कहते हैं। तो भगंदर यानी फिस्टुला इनानो में पेशेंट बहुत ही परेशान रहता है। वहाँ पे इंसिजन इंसिजन लेके चार सूत्र डालना रहता है। तो उसमें ऐसे ये प्रकार के छेदन का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा आचार्य ने बताया। अभी लेखन, लेखन यानी खरवड़ के निकालना। लेखन का नियम है, लेखन अनुलोम गति से करना चाहिए। अगर प्रतिलोम गति से किया तो व्रण में वेदना हो जाती है और रक्त स्राव ज्यादा हो जाता है। अभी जो मेदोज रोग रहते हैं उनमें लेखन आपको पता ही है। अभी ये देखो वात पित्त कफ कफ और संधिवात रोहिणी, इनमें भी लेखन करना है। अभी ये सब कफ के विकार, गलगंड, अर्बुद, अपची, ग्रंथि, वृद्धि, ये सब मेद ज्यादा है वहाँ पे और कफ ज्यादा है, उनमें लेखन करना है। और मुखगत में कैलाश, उपजीवा, अधिजीवा, इनमें भी करना है। और अर्श में भी लेखन का ही उल्लेख किया है। वेधन, वेधन यानी जो छोटे मुख वाले शस्त्र रहते हैं उनसे शस्त्र कर्म करना, उसको वेधन ऐसा कहते हैं। तो जो बहुविध सीरा रहते हैं उनमें वेधन करना है। मूत्र वृद्धि में, दकोदर, पक्व और रक्त गुल्म में और विसर्प पेड़का, इनमें वेधन करना है। देखो अगर सीरा है तो सीरा में वेधन वेधन बताया है। दकोदर में भी हम वो नीडल एस्पिरेशन बोलते, गुल्म के आकार के हिसाब से वेधन करके फिर बाद में निकालना। और विसर्प पीड़का में भी वेधन देना है। ईशन, सशल्य और उन्मार्गी जो नाड़ी व्रण है उनमें ईशन करते हैं। आहरण, आहार या आकर्षण, आहरण यानी आचूषण। तो मूत्र शर्करा, पाद शर्करा, दंत शर्करा, ये शर्करा तीसरो ऐसा बोला है इन तीनों को मिलके। तो मूत्र शर्करा, पाद शर्करा और दंत शर्करा, इसमें आचूषण करना है। मूढ़ गर्भ और मल निर्हरण, इनको भी आहरण से ही निकालना है। विश्रवण, प्रच्छन्न कर्म करके रक्त मोक्षण करना, इसको विश्रावण कहते हैं। विश्रावण अभी हम लोग वात पित्त और कफ और रक्तज विद्रोही, इनमें विश्रावण करना है। कर्णपाली के रोगों में विश्रावण करना है। अभी उपदंश, सुषिर, गलशालुक, जिह्वाकंठ, कृमिदंत, दंतवेष्ट, उपकुष, शीतादंत, पुक्पुट, इनमें भी विश्रावण बोला है। और क्षुद्र रोग, प्रायशः क्षुद्र रोग, इसमें भी विश्रावण ही बोला है। अभी सीवन, आगंतुक व्रण में सीवन कर्म करना है, किया जाता है। अभी सीवन करना और किसमें किया जाता है, तो मेद की वजह से जो उत्पन्न होने वाले व्रण है उनमें सीवन कर्म करना है। जो सद्यो व्रण है उनमें भी सीवन कर्म करना है। संधि, अगर चल संधि आश्रित व्रण है तो उसमें भी सीवन कर्म करना है। अगर शीर, अक्षिकुट, नासा, औष्ठ, गंड, कर्ण, हस्त, वृषण, स्पिक, गुद, उदर आदि गंभीर मांसल भाग है उनमें सीवन कर्म करना चाहिए। अभी असिवय व्रण है बोले जाते हैं। अगर व्रण क्षार क्षार से अगर व्रण उत्पन्न हुआ है, विष से हुआ है या अग्नि से हुआ है, तो उनमें हम लोग सीवन करना नहीं करते, जिससे वायु का भवन होता है, ऐसे व्रणों में भी नहीं करते। और केश, नख, अस्थि, पुय, जिनमें ये है तो उनमें भी सीवन नहीं करते। उनमें सीवन किए तो पस फॉर्मेशन हो जाएगा और व्रण भर के नहीं आएगा, वो हीलिंग नहीं होगा। इनमें अगर व्रण किया जाए तो व्रण में पाक होता है, पाक और वेदना होती है।
अभी कुछ ऐसे पाठ बताए हैं वहां पे नहीं करना है, तो वर्षण कक्षा और अल्प मांसल प्रदेश उनमें भी सेवन नहीं करना चाहिए ऐसा आचार्य ने बताया है। जो सीवियर वर्ण है अगर मांस है वहां पे तो पहले वो मांस निकालना, निकाल के उसमें सीवन करना है। अभी सीवन के प्रकार इसमें रुजु ग्रंथि, अनुवेलितक, गोफना और किण्वन सेवन ऐसा चार सूचर्स बताए हैं। अभी रुजु ग्रंथि बोले तो सिंपल सूचर्स, एक से एक हाथ से डाल के दूसरे हाथ, एक हाथ से डाल के दूसरे हाथ से निकाल के फिर वो कट कर देना, ये हो गया एक सूचर। ऐसे जहाँ तक ये सीवन करना है वैसा करना। अभी अनुवेलितक में कैसा हो जाता है, एक बार स्टार्ट कर देते हैं सूचर तो एंड तक कर लेते हैं। ये जो हम लोग सबक्यूटेनियस बोलते हैं ना, इसको सबक्यूटेनियस की वजह से जैसा ये रहेगा। और गोफना, गोफना बोले तो जो गोफन के जैसा दिखता है सीवन कर्म होने के बाद में, वो वैसे जो सूचस किए जाते हैं उसके उसे गोफना कहते हैं। और तुन्ना सेवनी, तुन्ना सेवनी बोले तो रफू जैसे, हम रफू जैसे रहता है ना, रफू करने जैसा टाका, उसे तुमने सेवा नहीं ऐसा कहते हैं। ये जब मॉडर्न का पार्ट आएगा तो फीचर्स के टाइप हम लोग देखेंगे। अभी शल्य कर्म, शस्त्र कर्म जो रहते हैं शल्य कर्म में, उनमें व्यापद, तो उनमें व्यापद क्या हो सकते हैं, उनमें चार व्यापद हो सकते हैं। एक तो छेदन में, ही में छेद हो सकता है, नहीं तो अति छेद हो सकता है, नहीं तो तिर्यक छेद हो सकता है, नहीं तो वैद्य गात्र छेद हो सकता है। कभी-कभी जो ग्लोज रहते हैं, ग्लोज टियर हो जाने की वजह से ऐसा हो जाता है। अभी हीन छेद में क्या हो जाता है, व्रण स्राव पूरा पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता और स्राव ऐसे रहने से नाड़ी व्रण में रूपांतर हो जाता है। और अगर हीन छेद हुआ तो अगर हमें जो पार्ट देखना है वो हम लोग अच्छी तरह से नहीं देख सकते, और जितना भाग निकालना है उतना नहीं निकलता, फिर जितना भाग पार्ट बाहर निकालना है उतना नहीं निकलता हीन छेद की वजह से। अति छेद की वजह से मर्म शिरा या स्नायु पे आघात होने की संभावना रहती है। तो अगर जब मर्म पे आघात हुआ तो भ्रम, प्रलाप, मूर्छा, ऊर्ध्वश्वास और मांसोदकाभ स्राव ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। अगर सीरा पे अति छेद हुआ तो इंद्रगोप की टक के वर्ण के जैसे रक्तस्राव होता है। स्नायु पे अगर आघात हो जाए तो कब्ज, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसरण आदि में अड़चन, मतलब वो नहीं कर सकते। कब्ज तो अलग है, कब्ज अलग है, पर उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन और प्रसरण ये क्रिया है वो अच्छे से नहीं हो सकती स्नायु में, स्नायु का जखम हो जाता है उसकी वजह से। और संधि पे अगर अति छेद हो जाए तो तीव्र वेदना, शोथ, बलक्षय और पर्व का शोथ, ये संभावना रहती है, ये लक्षणों पे संभावना रहती है। अभी तिर्यक छेद में, अति छेद में जैसा बताया ना वैसे ही शिरा स्नायु छेद के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ये हो गए प्रधान कर्म। अभी पश्चात कर्म बोलेंगे, शीतल जल का प्रयोग करना चाहिए ऐसा बोला है पश्चात कर्म में, और पेशेंट को आश्वासन देना चाहिए कि हाँ अभी तुम्हारा ऑपरेट अच्छे से हो गया, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, आपकी इतने देर कुछ भी नहीं खाना है क्या, ऐसा ये पेशेंट को बोलना पड़ता है, आश्वासन देना पड़ता है। उसके बाद में पीड़न, पीड़न बोले तो हम लोग देखिए जो स्राव रहता है, जो ऊंट के यहाँ से स्राव आता है वो स्राव पूरा पूरा बाहर निकालना पड़ता है। उसके बाद कषाय द्वारा धावन किया जाता है। और कवलिका बोले तो हम लोग बैंडेज बोलते ना, कवलिका बोले तो गॉस पीस रहता है ना, गॉस पीस उस पर रख के फिर बंद बोले तो बैंडेज करना पड़ता है। तो अभी वो टाइम पे घृत का क्या क्या मिल के कवली का बनाते थे, तो तिलकल का मध और घृत इनसे युक्त कवली का बनती थी, जिसमें ज्यादा स्निग्ध भी नहीं होनी चाहिए कवली का,
और ज्यादा रुक्ष भी नहीं होना चाहिए। अगर स्निग्ध है तो क्लेद उत्पन्न हो जाएगा वहां पे, मतलब जो पस का संभावना है वो ज्यादा रहेगी। रुक्ष है तो वेदना ज्यादा होगी। अभी धूपन, धूपन किसके लिए, किस किस चीजों से करते हैं? गोकुर, अगुरु, प्रयाग, देखंड, श्वेत सर्षप, इनका चूर्ण, नींबू पत्र, और उसमें जो उसमें घृत डाल के धूपन करना चाहिए। अभी धूपन सिर्फ ऊंट का ही नहीं, पेशेंट का भी धूपन करना चाहिए, पूरे रूम का भी धूपन करना चाहिए। और अगर धूपन किया तो वेदना और कृमि से बचने के लिए धूपन बताया गया है। अभी योग्याकर्म, योग्याकर्म बोले तो अगर पेशेंट डायरेक्टली पेशेंट पे हम लोग कुछ ये यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए जो कर्म है वो हमको पहले कुछ कुछ चीजों पे कर्म करके देखना, देख के फिर बाद में पेशेंट पे करना, इसको योग्य कर्म ऐसा कर। जो चीजें अभी यूज करेंगे और किस पे कौन सा कर्म करना, ये आचार्यों ने बताया है। तो उसने आचार्यों ने बताया कि छेदन, तो पुष्प, फल, अलाबु, कलिंद, त्रपुस, इरवारुक, करकारुक। अलाबु बोले तो भोपड़ा रहता है उसको बोलते हैं, कलिंग बोले तो कलिंगर, और त्रपुस और एरवारु को बोले तो उनमें वो जो काकड़ी है, काकड़ी बोलते हैं हम लोग उन उसकी उसके जो टाइप्स है वो, उस पे सब पे छेदन करना है। अभी भेदन का प्रयोग द्रुति, बस्ती, प्रसेक, इनमें पानी भर के भेदन का प्रयोग। अभी हम लोग देखे भेदन बोले तो क्या, फोड़ना है, फोड़ के बाहर निकालना। तो जो द्रुति, बस्ती, प्रसेक, वकर जो रहते हैं उन्हें जल भर के भेदन करना है। लेखन, लेखन बोले तो सरोमी चर्म, जो चमड़ी है वहाँ उस जिस पे रोम है वहाँ पे लेखन करना है। और वेधन, तो मृत पशु, सिरा, स्नायु, मृत पशु के सिरा और स्नायु को वेधन करना है, और कमलनाथ में भी वेधन करना है। एशन, घून उपहत काष्ठ, बोले तो घूंगे ने जो खाया है वो काष्ठ, बांबू, नल नाल, शुष्क अलाबू, इनमें एशन करना चाहिए। आहरण, पनस, पनस बोले तो फनस, बिंबी, बिंबी बोले तो तोंडली जो रहती है, बिल्व मज्जा, मृत पशु दंत, इनसे आहरण, आहरण की आहरण का योग्य कर्म इन पे देखना चाहिए करके। और विश्रा, विश्रावन में मधुलिप्त जो शाल्मली फलक है, मार लगा के शाल्मली फलक में विश्रावण करना चाहिए। सीवन, सूक्ष्म या घन वस्त्र रहता है उसमें सीवन, और मृदु चर्म रहता है उस पे हम लोग सीवन का ट्राई कर सकते हैं। बंधन, बंध, बंध जो रहते हैं, अभी इसके बारे में, इसके बाद में बंध भी देखेंगे हम लोग, कहाँ पे कौन से प्रकार का बंध बांधना चाहिए, वो डिटेल में देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें पुस्तमय पुरुष अंग प्रत्यंग, जो पुतला, पुरुष का पुतला बना के उस पे बंध का प्रयोग किया जा सकता है। और अग्नि और क्षार का प्रयोग, मृदु मांस खंड रहता है उसमें अग्नि और क्षार का प्रयोग करने से कर सकते हो। कर्णबंधी संधान, इसमें मृदु चर्म, मांस पेशी, कमलनाल बस्ती ने कमलनाल बस्ती नेत्र और व्रण बस्ती, इनका प्रयोग करके देख सकते हैं। और पीड़न, उदक पूर्ण स्रोत घट को, जो पानी से भरा हुआ घड़ा रहता है उसको पीछे से एक स्रोत करके, नेत्र प्रणिधान, व्रण बस्ती और पीड़न, इन तीनों का प्रयोग कर सकते हैं, इन तीनों का प्रयोग करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, अभी हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।